अहमदनगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवार मुस्लिम समाजाचे बुलंद तोफ अबीद हुसैन यांनी आज मतदारांना आवाहन केलंय. मैं अबीद हुसैन, माजी जिल्हा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी. पिछले 10 साल समाजवादी पार्टी के माध्यम से समाज के वंचित, गरीब, दलित वर्ग के लिए बहुत से काम किया, समाज के मुद्दों पर आंदोलन किया. लेकिन जब जब इलेक्शन आता है, समाज को सिर्फ आश्वासन का गाजर दिखाया जाता है. आज तक कभी दलित समाज, मुस्लिम समाज को न्याय मिला नहीं. इसलिए मैं अबीद हुसैन अहमदनगर दक्षिण मतदार संघ से लोकसभा का फॉर्म भरा हूँ. मुझे उम्मीद है कि जो वंचित लोग हैं, जिनके ऊपर अन्याय हुआ, आज तक कुछ न्याय नहीं मिला, वो मेरा साथ देंगे और मुझे इन्हीं लोगों के पार्टी में पर मैंने फॉर्म भरा. वास्तविक आज तक जितने भी ये बने, कमीशन बने, जैसा सच्चा समिति है, महमूदुर रहमान है और रंगनाथ मिश्रा है, श्री कृष्ण कमीशन रिपोर्ट है, इस पर कांग्रेस राष्ट्रवादी ने कभी अमल बजा नहीं की नहीं. सिर्फ मुसलमानों को डराया गया. जब जब इलेक्शन आते, मुसलमानों को डराया जाता है और मुसलमान की जो तथाकथित नेता है, जो सो कॉल लीडर है, वो उसका पूरा फ़ायदा उठा के अपना राज के अस्तित्व निर्माण करते हैं और समाज को फिर अंधेरी घाट में लेकर जाते हैं. तो मेरी उस समाज के लोगों से अपील है कि जिनको आज तक कोई न्याय नहीं मिला, वो मुझे सपोर्ट करें. एक तरफ बीजेपी का सीट है, दूसरी तरफ राष्ट्रवादी का है, लेकिन दोनों बीजेपी के कम्बाइंड सीट है, ऐसा मुझे लगता है. आज महानगर पालिका में बीजेपी ने खुलेआम, राष्ट्रवादी ने खुलेआम बीजेपी को सपोर्ट करके महापौर बनाया. ये कैसी सेक्युलर पार्टी है? हम चाहते हैं कि सेक्युलर पार्टी का वोट का बंटवारा ना हो, लेकिन सेक्युलर पार्टी है, जातिवादी पार्टी से मिली है और सिर्फ सत्ता का उपभोग कर रहे हैं. तो मैं दलित और मुस्लिम समाज से अपील करूँगा कि इनकी भूल भुलैया, इनकी भूल थापा को बड़ी ना पड़ता. आप डायरेक्ट मुझे वोट करके समाज के काम की और आपकी खिदमत करने का मौका दें. 11 साल से कोतवाली पुलिस स्टेशन, जो कि मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी है, लेकिन मुसलमान आज तक उससे वंचित है. ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है, ये मुस्लिम समाज के विकास के लिए बनाई गई है. अहमदनगर का जिला न्यायालय है, कोतवाली पुलिस स्टेशन है, कलेक्टर ऑफिस है, आयुर्वेदिक कॉलेज है, ऐसे बहुत से वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन मुस्लिम समाज के आज वो हाथ में नहीं है. इसलिए मैं बार बार आंदोलन किया हूँ, रास्तों पर उतरा हूँ, समाज के काम के लिए मैं बहुत से कुर्बानी दिया हूँ. तो मुझे पूरी उम्मीद है, अगर ये वक्फ प्रॉपर्टी मिलती है तो समाज का विकास होगा, आर्थिक, शैक्षणिक, हर एतबार से विकास होगा. तो मेरी यही अपील है समाज से कि कब तक तुम कांग्रेस राष्ट्रवादी के मतलब झूठे गाजर, झूठे आश्वासन से आप ये करेंगे. तो मुझे एक मौका दो, इंशाल्लाह एक भी प्रॉपर्टी मिल गई, वक्फ प्रॉपर्टी, जिससे पूरे समाज का विकास हो जाएगा, दलित मुस्लिम का विकास हो जाएगा. आज उड़ान पुल नहीं शहर में, 15 साल से दिलीप गांधी खासदार थे, लेकिन एक उड़ान पुल बनाने सके उन्होंने, तो शहर का क्या विकास हुआ? MIDC में कोई उद्योग धंधे आज तक नहीं है. गरीबों का क्या विकास हुआ? सिर्फ कौम के नाम पे और लोगों को बंटवारे के नाम पे इन्होंने राजकारण किया है, लेकिन कभी किसका विकास नहीं किया है. और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ताकत दो एक प्रेशर ग्रुप के लिए, ताकि हम आगे इनसे कुछ डील कर सके समाज के मसलों के लिए, या वक्फ प्रॉपर्टी हमको वापस देना, इसलिए हम कुछ डील कर सके. इसलिए मैं समाज से और बाकी लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप मेरा साथ दें और मुझे ताकत दें. मुझे बहुत से दबाव आ रहे, उम्मीदवारी वापस ले, सेक्युलर रोड का बंटवारा होगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, लेकिन मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, हमारे सो कॉल लीडर से, कि 2 महीने पहले महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट करके महापौर बनाया गया, जब आप सो गए थे क्या? जब आप कहाँ गए थे? जब आपको कौम की फिक्र नहीं हुई? तो मुझे अहमदनगर के जो युवा वर्ग है, यहाँ तक के तालुका करजत, शिवगांव, जामखेड़, यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के माध्यम से बहुत से आंदोलन किए, वहाँ के मसलों पर काम किया मैं. वहाँ के जो जो प्रॉपर्टीज है, कब्रस्तान के मुद्दे है, अगड़गाँव, रतड़गाँव है, बोधेगाँव है, ये पारनेर तालुके के बहुत से लोगों ने काम किया. तो वहीं के लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि आप उम्मीदवारी करो, हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे और साथ देंगे. तो यही उम्मीद लेकर मैं आपके बीच आया हूँ
और आपके माध्यम से जो जहाँ तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँची, जहाँ तक मैं मुलाकात नहीं कर सका, तो उनके आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप एक बार मुझे वोट दें ताकि आपने आपका मैं खिदमत करने का मुझे मौका मिले। क्या समाज का युवा वर्ग तुम्हारे साथ है क्या? बेशक युवा वर्ग के भरोसे मैं खड़ा हूँ। राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी।